आमंत्रित कर रही हूँ शिवानी ठाकुर को कि वो भी आए और अपनी कविता हम हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मेरी कविता का शीर्षक है प्रभात किरण। इस कविता में मैंने शरणार्थी बालक की मनोदशा को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उस दिन भी कोई मेघ नभ से टूटा था, सरहदों पर बरसा था। उस दिन भी कोई मेघ नभ से टूटा था, सरहदों पर बरसा था। बाहर आया था संग रक्त रंजित, छोटे बड़े कितने कमल दर्द। उस अबोध दृष्टि को भी जो ऊंची शिला पर खड़ी कुछ खोज रही थी, उस अबोध दृष्टि को भी जो ऊंची शिला पर खड़ी कुछ खोज रही थी क्षितिज की रिक्त गोद में, शायद श्वास लेता घर। किंतु यहाँ तो दूर तक बेजान मकानों के बुत और उनकी दीवारों से सटी राजनीतिक पहेलियों की मटमैली अबूझ गठरियां ही दृष्टिगत गोचर होती थी। किंतु यहाँ तो दूर तक बेजान मकानों के बुत और उनकी दीवारों से सटी राजनीतिक पहेलियों की मटमैली अबूझ गठरियां ही दृष्टिगोचर होती थी और उनकी नींव तले लगी थी अमानवता की दीवार। जो खोया था नन्ही आंखों ने यहाँ, वो कहीं गहरा था। पहरा था हर हवा पर, पहरा था हर हवा पर कड़कती दामिनी का। फिर भी क्यों उसके हृदय के नीलांबर पर यह सिंदूरी सूरज अल्लड़ विश्वास की लालिमा से एक उजास सा भर रहा था। या फिर यह भी कोई वैमनस्य की अग्नि में जलता राह से भटका सिर्फ गोला था। या फिर यह भी कोई वैमनस्य की अग्नि में जलता राह से भटका सिर्फ गोला था। जो भी था निहार रहा था खोए घर का प्रतिबिंब बनकर। जो भी था निहार रहा था खोए घर का प्रतिबिंब बनकर और लुभा रही थी शरणार्थी मन को और लुभा रही थी